साथियों, 100 साल में आई सबसे बड़ी गंभीर महामारी और दो देशों के युद्ध के बीच आज दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं में बहुत तेज गति से उतार चढ़ाव हो रहा है। इस अनिश्चितता के बीच भारत दुनिया के उन देशों में से एक है जो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने के लिए रिकॉर्ड निवेश कर रहा है। इस साल के बजट में भी 10 लाख करोड़ रुपए आधुनिक इंफ्रा के लिए अलॉट किए गए हैं। आज का नया भारत, 21वीं सदी का नया भारत तेजी से देश के कोने कोने में मॉडर्न इंफ्रा बना रहा है। तेलंगाना में भी बीते 9 वर्षों में रेलवे बजट में लगभग 17 गुना की वृद्धि की गई है। अभी अश्विनी जी आंकड़ा दे रहे थे, इससे नई रेल लाइन बिछाने का काम हो, रेल लाइनों की डबलिंग का काम हो या फिर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हो, सभी कुछ रिकॉर्ड तेजी से हुआ है। आज जिस सिकंदराबाद और महबूबनगर के बीच रेल लाइन की डबलिंग का काम पूरा हुआ है वो इसी का उदाहरण है। इससे हैदराबाद और बेंगलुरु की कनेक्टिविटी भी बेहतर होगी। देश भर के बड़े रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाने का जो अभियान शुरू हुआ है उसका लाभ भी तेलंगाना को मिल रहा है। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन का विकास भी इसी अभियान का हिस्सा है।